आज देखो, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। पॉलीमर करा दिया था उस दिन? हाँ, पॉलीमर के एग्जांपल हो गए थे, सब करा दिए थे। ठीक है, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, चल देखो। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। इधर देख, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल। इस कार्बोनिल ग्रुप के बेस पे कार्बोनिल कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड क्या, देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अगर इसकी एक वैलेंसी से एच लग जाए और दूसरी वैलेंसी से चाहे एच लगे चाहे आर लगे, लेकिन एक वैलेंसी से हमेशा क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, तो वो एल्डिहाइड होता है। अच्छा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बन ग्रुप है। अगर इसकी दोनों वैलेंसी से एल्किल ग्रुप लगे हैं तो फिर वो हो जाता है कीटोन। जैसे एग्जांपल, HCOH, इसको ऐसे करके लिख दो, HCHO, इसका नेम होता है, सॉरी, इसका नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लगा के देखें तो मैंने लगा दिया CH3COH, चाहे तो ऐसे करके लिख लो CH3CHO, इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड। का नाम होता है एसीटल्डिहाइड। अब CH3COCH3, ये है कीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ये दोनों आपके प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। कैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, पॉइंट लिखेंगे, आ रहा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिल हैलाइड, एमाइड, ये सब इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। कैसे हैं, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ये क्यों इम्प्योर है बताएंगे। तो आपके एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कैसे हैं, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे अगर यहाँ देखो, CR डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अगर इसमें एक फंक्शन ग्रुप और जोड़ दो OH, तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कौन सा एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप के अलावा और कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप। जैसे देखना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें अमीन ग्रुप और जोड़ दो, कौन सा ग्रुप, अमीन ग्रुप, तो CONH2 बन जाएगा। ये कौन सा ग्रुप, क्या बन गया, एमाइड। क्या बन गया, एमाइड। और एमाइड कैसा है, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। बात समझ आई, इसलिए ऐसा सब में होता, बताएंगे कि करके
ये वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, और जो एल्डिहाइड और कीटोन है दिस इज प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि इसमें केवल और केवल कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप। जब केवल और केवल कार्बोनिल ग्रुप होता है CO ग्रुप, तो उसे बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, वो भी साथ में कौन से, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। इसको नोट डाउन करो, देखो बेटा हो गया नोट। यस सर। ठीक, आगे देखिए। अब बेटा देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का कैसे प्रिपरेशन किया जाता है ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, तो वो बनाते हैं वाय द ओजोनोलिसिस। किसके द्वारा बनाते हैं, ओजोनोलिसिस के द्वारा। कैसे, ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका एल्कीन है, इसकी रिएक्शन पहले ओजोन के साथ कराते हैं, तो एक इंटरमीडिएट बनता है ओजोनोइड करके, बताएंगे आपको सी ऐसे करके, क्या कर रहे हैं, हाँ ओ सी ओ हाँ ये सॉरी गलत हो गया, ऐसे करके बनता है सी ओ सी ओ, और ये इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं ओजोनोइड इंटरमीडिएट। ठीक, फिर आपका ये इंटरमीडिएट यहाँ से ऐसे करके टूट जाता है, और ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। ऐसा क्यों होता है जिंक डस्ट, क्योंकि ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ये क्या कर सकता है पता है तुम्हें, एक सेकंड रुको बस बता रहे, ये बचा हुआ ऑक्सीजन क्या कर सकता है बता रहे, तो आपका ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल बन गया, प्लस सी डबल बॉन्ड ओ ये भी कार्बन बन गया। अगर ये जिंक डस्ट नहीं होगा तो बचा हुआ ऑक्सीजन क्या कर सकता है, एक छोटा सा एग्जांपल लें अगर हम लोग, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू रिएक्शन कराओ ओजोन के साथ जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, जिंक डस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, क्या करता है ये डबल बॉन्ड को तोड़ो, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगाए थे, एक ऑक्सीजन यहाँ सेट कर दो, एक ऑक्सीजन यहाँ सेट कर दो, क्या बन जाएगा सी एच ओ सिंगल बॉन्ड सी एच ओ और एच और एच, देखो एस सी एच ओ सिंगल बॉन्ड एस सी एच ओ। अब ओजोन में तीन ऑक्सीजन होते हैं, दो ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गए, कितना ऑक्सीजन बचा एक, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा, एस सी एच ओ किस में चेंज कर देगा एच सी डबल ओ एच में, तो एल्डिहाइड और कीटोन ना बनकर क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप जिंक डस्ट लोगे तो ये जिंक एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा जिंक ऑक्साइड जेड एन ओ, इसलिए जिंक डस्ट क्या है मस्ट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल एक और ले लें सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसकी रिएक्शन कराई ओजोन के साथ जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, क्या करोगे ये डबल बॉन्ड लिया तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, क्या बन गया सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी एच ओ प्लस एच सी एच ओ, मतलब एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। आगे देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ये कंपाउंड है, ये भी एक एल्कीन है, और इस एल्कीन की रिएक्शन कराई ओजोन के साथ
जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। ओजोन क्या करता है, डबल बॉन्ड हटाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ, क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3 और CH3 CH, क्या बन गया, कीटोन और एल्डिहाइड। ये एसीटोन है, कीटोन हो गया, और ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, जो देखो ये तुमने सुना होगा बेंजीन, इसकी रिएक्शन अगर ओजोन के साथ जिंक डस्ट में करा दो तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ। क्या देखो, सी यहाँ पे एक एच था, बेंजीन हर कार्बन पे एक एच होता, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये अलग निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे ही CHO यहाँ अलग निकल के आएगा, ऐसे ही CHO यहाँ अलग निकल के आएगा, तो टोटल कितने निकल के आएंगे, तीन। आगे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे दो बार डबल बॉन्ड है, तो देखो एक यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, किसके साथ रिएक्शन कराई, जिंक डस्ट विथ ओजोन, ये क्या बन गया, CH3 CHO, ये क्या बन गया, CH3 CHO CH3 CHO प्लस CHO HCHO HCHO प्लस CHO सिंगल बॉन्ड CHO CHO सिंगल बॉन्ड CHO। इस CHO सिंगल बॉन्ड CHO का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल, क्या होता है, ग्लाइऑक्सल, बात समझ में आई। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, आपसे कह देगा कि एक एल्कीन थी, बता रहे अगली बूढ़े बताना पड़ेगा, एक एल्कीन थी, अभी थोड़ा हिंट्स कर रहे, एक एल्कीन थी और इस एल्कीन का ओजोन के साथ ओजोन लेसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो आपको एक एल्डिहाइड मिला, एक कीटोन मिला, फलाना ढेगाना, वो एल्कीन कौन सी थी, समझ गए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, इसको नोट कर फिर बताते उसको। देखो आगे, अब हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ए एल्कीन हैव फार्मूला C6H12 आफ्टर ओजोनोलिसिस गिव्स एसीटोन ग्लाइऑक्सल एंड फॉर्मल्डिहाइड ईच आर वन मोल, ईच आर वन मोल, देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्कीन, सॉरी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, समझ रहे हैं, एल्कीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, कौन सी एल्कीन ऐसी होगी जिसका फार्मूला C6H12 होगा और जो ओजोनोलिसिस के बाद एक मोल एसीटोन, एक मोल ग्लाइऑक्सल और एक मोल फॉर्मल्डिहाइड देगा, ठीक, तरीका सुनो, सबसे पहले एक कोई ऐसा, क्या कर रहे हो, कोई ऐसा कंपाउंड तो नहीं है जिसमें दो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, दो कीटोन ग्रुप या दो एल्डिहाइड ग्रुप हो, पहले ये देखो, यस सर, एक कंपाउंड ऐसा है ग्लाइऑक्सल, एक कंपाउंड ऐसा है ग्लाइऑक्सल जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यही तो है, उसको रखो बीच में, बाकी जितने हैं सब कहाँ रखो, किनारे, जैसे एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये एसीटोन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया,
और इनके जितने भी ऑक्सीजन आएंगे सामने सामने उन ऑक्सीजन को निकाल दो, और निकालने के बाद क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड हटके ही तो क्या आया था, ऑक्सीजन आया था, तो क्या बन जाएगा देखो, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, ये आपकी एल्कीन हो जाएगी। बात समझ आई, इसको नोट कर लो। ओके, थैंक यू।